हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस मंत्रा। और आज मैं क्लास टेंथ में आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा। और आज जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। तो आपको जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ पढ़नी है, मेनली तीन पढ़नी है। एक तो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ठीक है ना। दूसरी आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। और जो थर्ड आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। तो ये आपको तीन आइडेंटिटीज़ पढ़नी है बेसिकली, ठीक है ना। और इन्हीं इस पहले से ये दो बन के आएगा, ठीक है ना। इसी से ये आ जाएंगे और इससे से इस वाले आइडेंटिटी से ये दो और इस आइडेंटिटी से ये दो आना है। तो टोटल आपको यहाँ पे नौ आइडेंटिटीज दिख रही है, लेकिन वो तीन ही हैं। उन्हीं तीनों को पढ़ना है, उसको हम डिराइव कराएंगे, उस पर कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे। तो आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही बेसिक आइडेंटिटीज़ है। अब पहले तो हम आइडेंटिटीज़ पे चलते हैं कि एक्चुअली आइडेंटिटीज़ क्या होती है। दो चीज़ आपको दिखेगा, एक तो होता है इक्वेशन और एक होता है क्या, आइडेंटिटीज। पहले भी आइडेंटिटीज आप पढ़ चुके हो, जैसे आप पढ़े हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या पढ़े हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन भी पढ़ चुके हैं। जैसे आप पढ़े हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर टू जीरो, ये एक इक्वेशन बन गया और ये एक आइडेंटिटीज है। इक्वेशन और आइडेंटिटीज़ में फ़र्क क्या होता है, इसको पहले हमको समझना होगा। तो देखिए इक्वेशन में होता क्या है, ध्यान से देखो, इक्वेशन में होता क्या है कि इक्वेशन किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करता है, लेकिन आइडेंटिटीज में चाहे जो रख लो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होता है। नहीं समझ में आ रहा है, अब देखते हैं। यहाँ पर दो वेरिएबल दिख रहा होगा ए और बी, यदि ए इजक्ल टू वन और बी इजक्ल टू टू रख दिया जाए तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो आएगी वही राइट हैंड साइड की वैल्यू आएगी। नहीं तो कैलकुलेट करके देख लो कितना होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो वन प्लस टू का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा, नाइन। और यहीं यहाँ रख दिया जाए तो वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर टू इंटू वन इंटू टू कितना हो जाएगा, वन प्लस फोर कितना हो जाएगा, नाइन। मतलब ए की वैल्यू वन रखा, बी की वैल्यू टू रखा, तो जितना लेफ्ट हैंड साइड आया उतना ही राइट हैंड साइड आया। इसी तरह ए की वैल्यू चाहे और बी की वैल्यू चाहे कुछ भी रख लो, हमेशा लेफ्ट हैंड जितना आएगा उतना ही राइट हैंड साइड आएगा। लेकिन इक्वेशन में क्या होता है, जैसे एक इक्वेशन लिख रहे हैं, तो यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू रखने पर ये जीरो नहीं देगा, यहाँ पर केवल दो वैल्यू आएगा, x इजकल टू माइनस वन और माइनस टू, इन्हीं दोनों पर ये जीरो देगा। अदरवाइज यदि इसके अलावा कुछ दूसरा रखोगे तो इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी। मतलब ये हुआ कि ये किसी पार्टिकुलर x की दो पार्टिकुलर वैल्यू के लिए इसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड के इक्वल होगा, लेकिन यहाँ ए और बी चाहे जो भी रख लो हमेशा लेफ्ट हैंड राइट हैंड के इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी इक्वेशन किसी पार्टिकुलर वैल्यू के लिए या दो चार तीन पार्टिकुलर वैल्यू के लिए ही सेटिस्फाई करता है, लेकिन आइडेंटिटीज क्या होती है, कोई भी उसमें वेरिएबल रख लो वो हमेशा जितना लेफ्ट हैंड साइड आएगा उतना राइट हैंड साइड आएगा, इसलिए उसको आइडेंटिटीज बोलते हैं। और इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन के कुछ पार्टिकुलर सॉल्यूशन होते हैं, मतलब उसमें कुछ पार्टिकुलर वैल्यू रखोगे तभी ही लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड की जो वैल्यू होगी राइट हैंड के इक्वल होगा। उसी तरह यहाँ पर जो है ये सब क्या है, आइडेंटिटीज़ है। मतलब थीटा कुछ भी रख लो इन दोनों के स्क्वायर की वैल्यू हमेशा वन होगा। यहाँ ऐसा नहीं है कि थीटा की कुछ पार्टिकुलर वैल्यू के लिए ही वन होगा, नहीं, थीटा चाहे कुछ रख लो हमेशा वन देगा। यहाँ थीटा कुछ भी रख लो जितनी वैल्यू इसकी आएगी उतनी ही ये आएगी, इसलिए ये आइडेंटिटीज है। अब आपको आइडेंटिटीज और इक्वेशन में फ़र्क समझ में आ गया कि आइडेंटिटीज़ क्या होती है और इक्वेशन क्या होता है, ठीक है ना। वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए, और अभी देखना यदि स्टार्ट किए हैं तो उसको अंत तक जरूर देखिएगा, तभी बातें अच्छे से समझ में आती हैं। तो इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने के लिए करने वाली कुछ पार्टिकुलर वैल्यूज होती हैं, लेकिन आइडेंटिटीज़ में कोई भी वैल्यू रख दोगे तो जितना लेफ्ट हैंड आएगा उतना राइट हैंड आएगा। तो इक्वेशन और आइडेंटिटी में यही फ़र्क होता है, आइडेंटिटीज किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर जाता है और इक्वेशन की कुछ पार्टिकुलर वैल्यू के लिए ही सेटिस्फाई करता है। अब हम पहले इसका प्रूफ देखेंगे, तो आशा है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम एक एक करके प्रूफ करेंगे कि कैसे ये सब चीज़ें आती हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
तो प्रूफ करने के लिए हमको लेना होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्या लेना होगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। चलिए बना लीजिए। ए बी और सी बना लिए, ये थीटा ले लो, ठीक है। तो ये बताओ कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो बाई थ्योरम कितना होगा बताओ? ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही होगा ना? ये तो इनिशियल आ गया। अब इसमें क्या करते हैं, हम दोनों तरफ ए सी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। लिखिए डिवाइड्स फर्स्ट बाई ए सी स्क्वायर, ठीक ना? फर्स्ट को ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, ये तो कितना हो जाएगा? वन। ये क्या हो जाएगा? ए बी बाई ए सी का, ये क्या हो जाएगा? बी सी बाई ए सी का, यहाँ पर आ गए। अब यदि इसको थीटा माने हो तो बताओ साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज ए बी बाई ए सी, एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? बी सी बाई ए सी होगा कि नहीं होगा? बोलिए, यदि इसको थीटा माने हो तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस ए बी बाई ए सी, और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? बेस बाई हाइपोटेनस बी सी बाई ए सी। अब यहाँ ए बी बाई ए सी की वैल्यू साइन थीटा लिख सकते हो और बी सी बाई ए सी की वैल्यू क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा लिख सकते हो। तो यहाँ लिखोगे फ्रॉम सेकेंड वन इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हो? साइन थीटा। तो साइन थीटा का स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा की वैल्यू बी सी बाई ए सी स्क्वायर, तो वन इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको पहले लिख लेते हैं तो क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर टू वन, ये आ गया, प्रूफ हो गया। अब इससे जो दो आते हैं बहुत आसान है, एक बार कॉस स्क्वायर को उधर पुट अप कर दो तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। और यदि साइन स्क्वायर को उधर लेके चले जाओगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जहाँ जैसी ज़रूरत होगी, यदि कहीं साइन स्क्वायर थीटा की ज़रूरत पड़ेगी तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यदि कॉस स्क्वायर थीटा को साइन में लिखना होगा तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यदि कहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा तो उसको वन कर देंगे। और भी चीज़ है, यहाँ से क्या निकल के आएगा? साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी है। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या आएगा? कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया आपका क्लियर। चलिए, तो ये तो आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, हो गया, तीन तो हो गए। चलो आगे चलते हैं। तो ये समझ में आया होगा, थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिएगा। अब जो और हैं वो कैसे प्रूफ होंगे, ध्यान से देखिए। पहली बार में हमने इसमें ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया, अब हम इसमें डिवाइड कर देंगे किससे? बी सी स्क्वायर से, ठीक है। डिवाइड्स फर्स्ट बाई बी सी स्क्वायर, क्या होगा? तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? ए सी बाई बी सी का होल स्क्वायर ए बी बाई बी सी का होल स्क्वायर वन, ठीक है, ये आ गया, ये सेकेंड हो गया। अब आप जानते हो एक चीज़ कि टैन थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बताओ? टैन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस ए बी बाई बी सी,
ठीक है ना। और सेक थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, बेस बाई सॉरी हाइपोटेनस बाई बेस, मतलब ए सी बाई बी सी। सब पढ़ा चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको पढ़ा चुके हैं, उसमें हमने बताया था टैन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और सेक थीटा इज इक्वल टू होता है कितना, हाइपोटेनस बाई बेस। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ए बी ए सी बाई बी सी सेक हो गया, तो यहाँ क्या लिख देंगे, सेक तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ए बी बाई बी सी की वैल्यू टेन, तो कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। देख लीजिएगा एक प्रूफ हो गया होगा, अब इसको इधर लाओ तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा टेन को इधर, तो टेन स्क्वायर थीटा स्क्वल टू वन, ये हो गया। और यहाँ से यदि टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। पहले ये लिखे थे और इसी के दो पार्ट लिखवाए थे, तो ये आ गया, ठीक ना भाई। ए सी बाई बी सी कितना होगा, ए सी बाई बी सी सेक थीटा, तो यहाँ सेक लिखोगे तो स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा। ए बी बाई बी सी कितना होगा, ए बी बाई बी सी टेन, टेन लिखोगे तो टेन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। ये भी प्रूफ करना था कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। अब टेन स्क्वायर इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। और इसी में यदि टेन स्क्वायर यहाँ रख के इधर ट्रांसफर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो ये तीनों आ गया। अब एक यहाँ से एक दो और फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट निकलते हैं, उसको हम बताने जा रहे हैं, लिखवाए नहीं है लेकिन यहाँ पर हम बता दे रहे हैं आपको, ध्यान से देखिएगा कुछ। और इन दोनों फार्मूले का जब यूज होता है तो क्वेश्चन कठिन हो जाता है। तो ये देखिए ये क्या दिया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू वन लिख सकते हो। अब यहाँ से यदि इसको डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू वन बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये आ जाएगा। और यदि इसी में से इस माइनस वाले से डिवाइड कर दिए होते तो क्या आता, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू वन बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये दो चीज़ें होगी, ये होगा और ये होगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनका जब यूज़ होता है तब यूज़ होता है जब क्वेश्चन ज़्यादा कठिन होता है और पता ही नहीं चलता है कि इसका भी यूज़ करना है, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने आपको पांच आइडेंटिटीज़ बता दी और इसका बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम आते हैं रिमेनिंग पे, चलिए रिवाइंड करके देखिए समझ में आएगा। क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ बताएंगे कौन यहाँ कौन सा फार्मूला यहाँ लगेगा, क्यों लगेगा, पहले फार्मूला पढ़ लो। अब हम क्या करेंगे इसमें, अभी हम डिवाइड किए थे बी सी स्क्वायर से, अब डिवाइड करेंगे ए बी स्क्वायर से। तो लिखेंगे डिवाइड्स फर्स्ट बाई ए बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ए सी बाई ए बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा बी सी बाई ए बी का होल स्क्वायर, इसको दो बना लो, ठीक है ना। अब आप जानते हो ए सी बाई ए बी, आप जानते हो कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, ए सी बाई सॉरी ए सी बाई ए बी, ए सी बाई
एसी बाई ए बी, एसी बाई ए बी इक्वल टू कितना होगा टैन थीटा, एसी बाई ए बी और बीसी बाई ए बी, बीसी बाई ए बी क्या होगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है यार, ए बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ए सी बाई ए बी आ गया और एक आ जाएगा हाँ बी सी बाई ए बी, गड़बड़ 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 ए सी बाई ए बी होगा आपका ए सी बाई ए बी कोसेक थीटा होगा, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी इक्वल टू कोसेक थीटा होता है और बी सी कॉट थीटा होता है, बी सी बाई ए बी भाई कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है हैपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हैपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, हो तो गया ये यदि है तो ये परपेंडिकुलर होगा ये बेस होगा और ये हैपोटेनस होगा, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है हैपोटेनस बाई परपेंडिकुलर मतलब ए सी बाई ए बी हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू कितना होता है बी सी, बी सी बाई ए बी बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, अब यहाँ पर रख दोगे तो क्या हो जाएगा फ्रॉम सेकेंड ए सी बाई ए बी की वैल्यू कोसेक थीटा का स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस बी सी बाई ए बी कितना हो जाएगा कॉट थीटा का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एक हो गया कॉट स्क्वायर को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन हो जाएगा, और इसी में यदि वन को इधर ला दिया तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या वन माइनस सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो गया, ठीक है यहाँ तक बात समझ में आ गया, पहले ये निकाल दिए कॉट इधर भेज दिए तो ये आ गया और यदि वन इधर भेज दिए तो ये फार्मूला बन गया, अब इस फार्मूले को ले लो कौन सा बीच वाले को, अब जानते हो कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू वन, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू कितना होगा वन बाई कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो ये एक फार्मूला जहाँ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है वहाँ वन बाई कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिख देंगे और इसी में यदि माइनस वाले से डिवाइड कर लेंगे तो आएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू वन बाई कोसेक थीटा कॉट थीटा, तो ये दो फार्मूले आपके बन गए पाँच, तो इतनी आइडेंटिटीज आपको बेसिकली पढ़नी है, ठीक है ना, और इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है ना, आशा है कि ये क्लास आपको समझ में आ रही होगी और आप मन लगा के इसको क्या करेंगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा कर लेते हैं एक दो, ठीक है ना, वीडियो को भाई शुरू से अंत तक देखिए, जब तक आप देखेंगे नहीं ना तब तक आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से, यदि आपको लग रहा है कि हम भगा भगा के कर लेंगे और नहीं देखेंगे अपने से पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है पढ़िए, ये मना नहीं करके रखे हैं कि आप इसको पढ़ना ही है, ज़बरदस्ती नहीं पढ़ना है, आपको लग रहा है कि कुछ आपका कल्याण होने वाला है तो पढ़िए अदरवाइज मत पढ़िए, तो चलिए अब छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, ठीक ना, इन सब आइडेंटिटीज़ को आप ध्यान में रखिएगा और कैसे क्वेश्चन बनेंगे आइए देखते हैं। अब देख दिया हुआ है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, प्रूफ करना है, ठीक ना, कि साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा वन होता तो इसका हम एल एच एस ले लेंगे, क्या ले लेंगे एल एच एस, क्या हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, अब ये जानते हो कि वन माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर को नीचे ले जाओ तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वन, प्रूफ हो गया कि नहीं, आर एच एस आ गया नहीं, बस ऐसे ही तो यूज़ करेंगे जहाँ देखेंगे कौन सा आइडेंटिटी यूज़ होना है, चूँकि सेक स्क्वायर है
यदि कॉस स्क्वायर होता तो कॉस और सेक में एक रिलेशन होता है, तो 1 - sin² = cos² होता है, तो वो रख देंगे क्योंकि कॉस और सेक आ गया, और कॉस स्क्वायर को नीचे ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर बन जाएगा। ये तो बता चुके हैं कि सेक नीचे आएगा तो कॉस, और कॉस नीचे आएगा तो सेक बन जाएगा। चलो एक और है, जैसे ये 1 / 1 + sin θ + 1 / 1 - sin θ = 2 sec² θ, LHS 1 + sin θ 1 - sin θ, LHS ले लिया। अब इसको ऐड करो, जैसे ऐड कर तो LCM ले लो, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा LCM, होगा ना, 1 + sin θ 1 - sin θ। जब इन दोनों का प्रोडक्ट LCM हो गया तो ये यहाँ मल्टीप्लाई है यहाँ हो जाता है, जानते ही हो। अब ये सब छोटी छोटी बातें मत पूछा करो, ठीक ना भाई। ये कट जाएगा, 1 और 1 कितना होगा 2, और नीचे देखो a + b a - b, 1² a² - b² और ये बताओ 1² - sin²θ क्या होगा, cos²θ, cos ऊपर जाएगा तो क्या होगा, sec²θ। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ रही बातें, आप लोग क्वेश्चन कर भी लेंगे। ये छोटे छोटे आइडेंटिटीज में आपको पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन करा दिया हूँ, आइडेंटिटीज ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आप लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो का मेरा वेट करिए, जिसमें मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो शुरू शाम तक जरूर देखिए।